Hello students, are we live here? Just let me check कि हम live हैं या नहीं है. All right. So देखो हम live हैं और आज है 24th November. Welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and आज हम discuss करने वाले हैं The Hindu newspaper. तो देखो द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी. तो देखो गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु हसल. तो अच्छी चीज़ें उनके साथ होती है, गोल्स उनके अचीव होते हैं जो हसल करते हैं. और हसल करने से मतलब है कि आपको आराम से नहीं बैठना है, आपको अपने गोल की तरफ कंटिन्यूसली फोकस बनाए रखना है. ओके, तो टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी के बाद हम आते हैं आज के टॉपिक्स पे. एक बार मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि क्या सब लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं. देखो जितने भी लोग लोग आ गए हैं ना वो थोड़ा सा कमेंट कर दो लाइव चैट में तो मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोग आ चुके हैं. ओके चलो काफी लोग आ चुके हैं. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. ऑलराइट चलो तो पहले हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं. तो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे. GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से हम देखेंगे न्यू क्रिप्टो बिल के बारे में. तो ये न्यू क्रिप्टो बिल क्या है, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या लेकर आई है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. देन भारत गौरव स्कीम के बारे में देखेंगे. इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी के बारे में. तो ये इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी क्या है, क्या इसके मायने हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे. इसके अलावा यूएस चाइना के बीच में फिर से टेंशन शुरू हो गई है, इस इशू को हम होलिस्टिकली देखेंगे. इसके अलावा GS3 में हम इकोनॉमी में से देखेंगे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के बारे में. इंडिया के साथ साथ यूएस और बाकी कुछ कंट्रीज ने भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स से ऑयल को निकाला है सो दैट उनकी कंट्रीज में ऑयल की डिमांड को फुलफिल किया जा सके. तो ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या है, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, ये सब देखेंगे. एनवायरमेंट में हम देखेंगे उत्तराखंड ग्लेशियर के बारे में. ओके और एडिटोरियल है आज का जो है हिमालयन ब्लंडर. इसके अलावा GS4 में आज हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं. ये जो आपको टॉपिक्स की लिस्ट दिख रही है ना ये इतनी नहीं है. देखो ये आज क्या है ना कि बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं तो मैंने कहीं कहीं पे एक ही जगह पे दो आर्टिकल्स को साथ में लिया हुआ है. तो हम पहले इसको देखते हैं नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके चलो आगे बात करते हैं हम. पहला टॉपिक हम देखते हैं इंडिया यूएस कमिट टू लिंकिंग इकोनॉमीज सेक्टर. जस्ट अ सेकेंड. तो देखो यहाँ पे इंडिया और यूएस ने यहाँ पे एक ट्रेड इकोनॉमी को लेकर, एक ट्रेड पॉलिसी को लेकर यहाँ पे कुछ चीजें सामने आई हैं, इसको देख लेते हैं. एक सेकेंड आप लोग प्लीज वेट कीजिएगा, ये पेन अटक रहा है, आई डोंट नो व्हाई. ओके चलो तो इंडिया और यूएस कमिट टू लिंकिंग इकोनॉमीज अक्रॉस द सेक्टर. तो इंडिया और यूएस साथ में एक ट्रेड पॉलिसी लेकर आए हैं. अभी ट्रेड पॉलिसी क्या है देखो, सबसे पहले तो यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से मिले उन्होंने ये कहा कि यूएस और इंडिया के बीच में जितना बायलैटरल ट्रेड का पोटेंशियल है हम उसका कुछ भी यूज नहीं कर रहे और हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए. ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं. क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई है ये देखते हैं. तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि बायलैटरल रिलेशनशिप जो है हमारा ट्रेड पॉलिसी के थ्रू बढ़ाएंगे हम और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे जो इकोनॉमिक टाइज है उनको. तो इकोनॉमिक टाइज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की बात हुई है. इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे वाया टैरिफ रिडक्शन. तो टैरिफ को दोनों ही साइड्स पे रिड्यूस करके एक दूसरे के एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करके हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस को एक्सपांड करने की. इसके अलावा यहाँ पे एक चीज ये कही गई है कि मार्केट एक्सेस हम देंगे, दोनों ही कंट्रीज जो है एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस देंगे. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने बोला है कि आप हमारे मैंगोस को, ग्रेप्स को, पोमग्रेनेट्स को, इस तरह का जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आपकी कंट्री में आप इसको मार्केट एक्सेस दीजिए. यूएस ने बोला कि ठीक है उसके बदले आप भी हमको मार्केट एक्सेस दीजिए चेरीज का, पोक प्रोडक्ट्स का, अल्फा अल्फा है का, इन सभी का, ये सब का क्या बोला है कि आप हमको मार्केट एक्सेस दे. दोनों ही रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे यहाँ पे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस देंगे, पहली चीज ये. दूसरी चीज यहाँ पे एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा. तो ये जो ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है इसके पीछे जो वर्किंग ग्रुप है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर, नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर एक एक्शन प्लान बनाएगा कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी हमारी चलेगी. दूसरी ये कि यहाँ पे IT वर्कर्स के लिए काफी बड़ी होप है. क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एक टोटलाइजेशन एग्रीमेंट की बात हुई है. ये टोटलाइजेशन एग्रीमेंट क्या करेगा देखो,
टोटलाइजेशन एग्रीमेंट यहाँ पे क्या करेगा, जितने जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ के काफी सारे आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं, वो यूएस में काम करते हैं। अब वहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, तो ये सोशल सिक्योरिटी उनको मिले, उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे टोटलाइजेशन स्कीम चलाई गई है। यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने पैसे को आफ्टर रिटायरमेंट भी इंडिया भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट कोविड प्लान की बात की गई है कि हम यहाँ पे कोविड चला तो गया है लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं गया है और हमें इसके लिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बेस साथ में मिलके बनाना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे कही हैं। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स, इन्वेस्टमेंट पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी बात हुई है, ठीक है, और ऐसी बात की है कि यहाँ पे हम म्यूचुअली बेनिफिशियल तरीकों से इन चीजों पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम दोनों के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में क्या क्या कॉजेस है कंसर्न के बिटवीन द ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, मतलब ट्रेड क्यों हमारे बीच में उतना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहा है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे एक इशू यहाँ पे ये भी है कि एक चीज ये कही गई है कि हम यहाँ पे ऐसी चीजों को प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे एक्सेस देंगे जैसे कि ड्राइड ग्रीन्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा वाटर बफेलो मीट हो गई, वाइल्ड कॉट श्रिम्प्स हो गए, इन सबको भी यहाँ पे मार्केट एक्सेस दिया जाएगा दोनों ही कंट्रीज में। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीएसपी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में से इंडिया को हटा दिया गया था। ये जनरलाइज्ड प्रेफरेंस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, ये यूएस की एक ट्रेड पॉलिसी आप समझ सकते हो। जीएसपी इज अ ट्रेड पॉलिसी ऑफ यूएस, जहाँ पे क्या होता है कि यूएस जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए क्या करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स यूएस में इम्पोर्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता, तो इनको ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री एंट्री देता है डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को। इसको कहते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। अब पहले इंडिया जीएसपी में आता था लेकिन आज की डेट में इंडिया जीएसपी में नहीं आता है, इंडिया को जीएसपी से यूएस ने हटा दिया है। ओके, तो इंडिया ने यह भी कहा है कि हमको जीएसपी में वापस से शामिल किया जाए। अब आप समझ पा रहे हो इसका फायदा क्या होगा, अगर हम भी जीएसपी में शामिल हो जाते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में, यूएस हमें भी शामिल कर लेता है, तो उससे क्या होगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, वो वहां पे और ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को फायदा होगा। तो इस पे यूएस ने कहा है कि सोचते हैं इसके बारे में, मतलब ये कहा है बेसिकली। और दूसरा सोशल सिक्योरिटी का जो टोटलाइजेशन एग्रीमेंट है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वर्कर्स को अलाउ करेगा कि वो लोग यहाँ पे प्रॉपरली अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स कर पाए। ऑलराइट, इसके बाद देखो यहाँ पे इंडिया यूएस टू कमिट, इंडिया यूएस कमिटिंग टू लिंक इकोनॉमीज, ये इसका थोड़ा सा एक्सपांडेड आर्टिकल था। इसमें ये कहा गया कि जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती, तो ऐसे केसेस के लिए टोटलाइजेशन एग्रीमेंट लाया गया है। इसके अलावा अभी देखो अगले महीने WTO की मिनिस्टीरियल मीट भी होने वाली है और इसमें ये कहा गया है कि हम यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, इसके साथ WTO के साथ G20 पे भी कोलैबोरेट करेंगे। किस किस चीज पे, एक तो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, मार्केट इकोनॉमीज के ऊपर और डेमोक्रेसीज के ऊपर जब ये बातचीत होगी तो हम दोनों इंडिया और यूएस यहाँ पे कोलैबोरेट करके चलेंगे, ये चीज कही गई है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाला वही आर्टिकल है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे देखो बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो इंडिया और यूएस के बीच में अभी किस तरह का ट्रेड चल रहा है, क्या आंकड़े हैं, क्या फैक्ट्स हैं इंडिया और यूएस के ट्रेड को लेकर। तो सबसे पहला तो 2019-20 को आप देखो, बिफोर कोविड वाला जो एरा था, क्योंकि उसी में हमको नॉर्मल सिचुएशन पता आएगी, है ना, तो इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड था वो लगभग $88.75 बिलियन का था, ठीक है। इसके बाद यूएस और कुछ ही कंट्रीज हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने वाली जिसके केस में इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस है, ठीक है, इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि इंडिया यहाँ पे यूएस के साथ में बात करी, इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इम्पोर्ट कम करता है। ऑलराइट, इसके बाद इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 2018-19 में ये लगभग $16 बिलियन था, आज की डेट में ये लगभग 17.5, आज की डेट में नहीं 2019-20 की डेट में ये $17.5 बिलियन हो गया। तो ये देखो लगभग हम 1.5 साल 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इतना यहाँ पे अभी हमारे पास सरप्लस है, ठीक है। इसके अलावा यूएस जो है, यूएस के लिए इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो देखो सबसे ज्यादा सर्विसेज जो है वो इंडिया 6th नंबर पे सबसे ज्यादा सर्विसेज यहाँ पे यूएस को प्रोवाइड करता है। अब आपको पता ही है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स कितने ज्यादा हैं वहाँ पे, सिलिकॉन सिटी में लगभग 1/3 जो एम्प्लॉयज हैं, 1/3 जो काम करने वाले लोग हैं वो इंडियन हैं,
समझ गए। तो इतना ज्यादा यहाँ पे सप्लाई करती है इंडिया सर्विसेज के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में क्या, इंडिया के लिए क्या अट्रैक्टिवनेस है, इंडिया क्यों अट्रैक्टिव है यूएस के लिए? तो सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के पास, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया के पास अच्छी, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेस भी कर रहा है इंडिया टूवर्ड्स डेवलपमेंट, और इसीलिए यहाँ पे इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है यूएस के लिए, समझ गए। अब देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं ट्रेड रिलेशनशिप में। अभी तो हमने बात की कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो किन किन इश्यूज की बात करती है, पहले अब इश्यूज की बात कर लेते हैं। तो देखो एक तो हमने देखा कि यहाँ पे टैरिफ रिड्यूस करने की उस ट्रेड पॉलिसी में बात हुई है, हमने जो एक स्लाइड पहले देखा था। तो यहाँ पे टैरिफ पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगाया करती थी। देन यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया ने बोला है यूएस को कि आप हमको जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस पूरा सिस्टम है इसमें हमको शामिल कीजिए। तो ये जो जीएसपी प्रोग्राम है आज की डेट में ये भी कॉज ऑफ कंसर्न है, क्यों? क्योंकि इंडिया को इससे बाहर कर दिया गया है, पहले इंडिया इसके अंतर्गत आया था, ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज की बात करें तो यूएस की टेम्पररी वीजा पॉलिसीज जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के काफी सारे आईटी प्रोफेशनल्स जो है वो यूएस में काम करते हैं, अब वहां पे क्योंकि वीजा पॉलिसी इतनी टेम्पररी है, यहाँ पे वीजा प्रॉपरली नहीं मिल पाता, तो इसीलिए यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, जॉब सिक्योरिटी का इशू है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डील करेगा कौन, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, जिसकी ने अभी बात की थी। ऑलराइट, इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेकर भी यहाँ पे इश्यूज हैं, जैसे इंडिया अपने यहाँ पे टैरिफ लगाता है, अमेरिका अपने टैरिफ लगाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसके अलावा सबसे बड़ा इश्यू जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। यूएस बार बार ये कहता है कि इंडिया जो है ये दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को फॉलो नहीं करता है, ये क्लेम है यूएस का। तो ऐसा क्यों कहता है यूएस, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, वैसे इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी सुन लो। यूएस की एक कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जिसने कैंसर का ड्रग बनाया था। उस कैंसर के ड्रग को यहाँ पे एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तौर पे इंडिया ने यहाँ पे इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कुछ समय के लिए यहाँ पे कर्ब कर दिया, और ये कहा कि इसके जैसा ही प्रोडक्ट बाकी इंडिया की कंपनीज भी, जो डोमेस्टिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, वो भी बना सकती हैं। इसको कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो इसके थ्रू यहाँ पे इंडिया ने एक ही बार ऐसा काम किया है, एंड दैट टू वॉज बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशूज, यहाँ पे हेल्थ इशूज बहुत ज्यादा कंसर्न थे, ठीक है, और वो भी एक मेडिसिन के साथ किया। तो उसके कारण यूएस हमेशा से ये इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि आप दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि इंडिया के भी अपने प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। अब देखो ये एक इशू है, कॉज ऑफ कंसर्न है, इस पे इंडिया जो है, इंडिया को एक स्पेशल 301 प्रायोरिटी लिस्ट, ये यूएस जो है एक स्पेशल 301 प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा पब्लिश करता है। ये क्या है, ये लिस्ट ये बताती है कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो प्रॉपर ट्रेड पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती, प्रॉपर आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को फॉलो नहीं करती। तो उसमें इंडिया को यहाँ पे रखा था 2020 वाली जो लिस्ट थी इसमें, और इससे पहले भी कई बार इंडिया को इन्होंने इस लिस्ट में रखा है यूएस ने, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी इश्यूज है कि इंडिया में जो पॉलिसीज हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी ज्यादा, अभी अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, और अट्रैक्ट करती हैं तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लग रहे हैं इसके ऊपर। तो ये एक इशू है, और इसके अलावा एक डिफेंस ट्रेड को लेकर है कि देखो यूएस जो है वो यहाँ पे डिफेंस ट्रेड को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल है इंडिया को लेकर। कैसे, क्योंकि अभी इंडिया ने, आपको पता होगा, इंडिया और रशिया के बीच में भी ट्रेड जो डिफेंस डील है वो काफी होती है। अभी हमने S-400 खरीदा है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे यूएस को ये पसंद नहीं कि हम रशिया के साथ या ईरान के साथ ज्यादा ट्रेड डील्स करें, डिफेंस डील्स करें, ठीक है। तो ये भी एक इशू है डिफेंस ट्रेड को लेकर। तो ये सारे इशूज हमने देखे, और हमने देखा कि ट्रेड पॉलिसी में किस किस इशू को यहाँ पे काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए बात हुई है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और ये फैक्ट्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस, ओके। प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछेगा आपसे, मेंस में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके बाद अच्छा, जो भी आपके क्वेरीज होंगी ना, वो मैं लास्ट में ले लूंगी एक बार। ऑलराइट, अब देखो, न्यू क्रिप्टो बिल सीक्स टू बैन प्राइवेट प्लेयर्स। तो एक नई क्रिप्टो बिल आने वाली है जिसका नाम होगा, यहाँ पे देखो, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल करेंसी बिल 2021। तो ये क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जो है 2021 की, वो आने वाली है हमारे विंटर सेशन में पार्लियामेंट के। और इसमें ये बात हुई है कि ये जो विंटर सेशन में बिल आएगी, इसमें गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हम यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है इसको बैन करेंगे। हाँ,
आरबीआई अगर कोई डिजिटल करेंसी लाता है तो उसको बैन नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा जैसे जो भी प्राइवेट लेवल पे जो भी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है उनको हम यहाँ पे बैन करेंगे, ये कहा है यहाँ पे ये न्यू क्रिप्टो करेंसी बिल जो आने वाली है उसमें, ठीक है। हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये चीजें कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इंडिया में चल रही है उसको यहाँ पे बैन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शन की बात की गई है, जैसे कि कुछ अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर काम करती है उसको यहाँ पे सीधी तरह से बैन नहीं किया जा रहा, क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे बैन किया जा रहा है, ओके। और इसके अलावा देखो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्यों बैन हो रही है, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोगों को लग रहा है कि ये पैसा डबल करने की स्कीम है। आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब चैनल्स पे या फिर टीवी में भी कई सारी एड्स आती है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, उसको बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखा जाता है। लेकिन बीच में एक ऐसा भी टाइम आया था जिसमें इसको एक बबल की तरह देखा जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी एक बबल के फॉर्म में है जो जितना अभी एक्सपांड हो रहा है किसी भी मोमेंट ये फूट सकता है, ठीक है। तो बहुत हाईली वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है, ये हाईली वॉलेटाइल करेंसी है, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडियंस इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर कोई भी टाइम आता है जिसमें रिसेशन होता है या फिर ऐसा कुछ इमरजेंसी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उस टाइम पे ये जो क्रिप्टो करेंसी है हमको ले डूबेगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स को हम क्योंकि प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बोला कि हम क्रिप्टो करेंसी को ही यहाँ पे बैन करेंगे। अब देखो क्यों बैन करेंगे, पहले तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ये समझो। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है, इसको आप वर्चुअल करेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी है इन विच इंक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो आसान भाषा में समझो, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, जैसे कि इथेरियम, जैसे कि डॉज कॉइन, ये सब जो है ये क्रिप्टो करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी पे काम करती है। ये क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब है इनक्रिप्शन होता है इसमें एक तरह का। और ये इनक्रिप्शन कैसा होता है, ये इनक्रिप्शन होता है बेस्ड अपॉन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। तो क्या होता है कि बहुत सारे मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई ए पर्सन हूं, मैंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी खरीदी, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सब कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, तो ये नेटवर्क क्या करेगा, ये नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। मतलब मान लो मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, ए ने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, अब ये सभी के नेटवर्क्स पे सभी के स्क्रीन्स पे दिख जाएगा कि हाँ भाई जो लेजर होता है ना, लेजर मतलब हिसाब किताब जो आप रखते हो ना, बही खाता उसको कहते हैं लेजर। तो सभी के लेजर पे ये दिख जाएगा कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन किसने की है नहीं पता। ए यहाँ पे एनोनिमस रहेगा, इसका नाम नहीं सामने आएगा, इसीलिए ये इनक्रिप्टेड है। दूसरी चीज ये कि जैसे ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन करता है वो सभी के यहाँ पे लेजर्स पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो ये बी है, भी कोई भी ट्रांजेक्शन करता है वो सभी के लेजर्स पे आ जाएगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि इसके पीछे किसी भी सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी नहीं है, कोई भी बैकिंग नहीं है। तो सेंट्रल बैंक जैसे कि क्या होता है, हमारी जो करेंसी है जैसे कि हमारे नोट्स हैं, जो चेक्स हैं, ये सारी जो जो भी करेंसी है, ठीक है, नोट्स हो गए, हमारे कॉइन्स हो गए, इसके ऊपर कौन है, आरबीआई है। तो हमको आपने देखा होगा हमारे जो इंडियन नोट होता है, इंडियन करेंसी का नोट है, उस पे नोट पे आपने लिखा होगा यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए देने का निर्णय या जो भी है प्रॉमिस करता हूँ, ये चीज यहाँ पे लिखी होती है। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो अथॉरिटी दे रही है, सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो यहाँ पे प्रॉमिस करे, एक बैकिंग दे हमारी करेंसी को। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई भी सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी नहीं है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे किसी भी फिजिकल असेट से इसको बैकिंग नहीं मिली हुई है, ठीक है, कोई भी फिजिकल असेट के पीछे इसको बैकिंग नहीं मिली हुई है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल करेंसी हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये रेगुलेट हो रही है, पूरी डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी इनक्रिप्टेड है, पता नहीं चलेगा कि किसने क्या ट्रांजेक्शन करी, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी अभी, ओके। अब क्यों ये गवर्नमेंट बैन करना चाहती है क्रिप्टो करेंसी को, तो सबसे पहला तो ये कि सॉवरेन गारंटी है इसकी। जो क्रिप्टो करेंसी है ये बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स के लिए रिस्क पोज करती है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई भी एक सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है जिसकी बैकिंग हो, जैसे कोई सेंट्रल बैंक हो, कोई गवर्नमेंट हो जो बोले कि हाँ भाई इसके बदले आपको इतने रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये लीगल टेंडर की तरह एक्ट नहीं करती इंडिया में। दूसरी चीज ये कि मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, कैसे, स्पेक्युलेटिव नेचर है इस करेंसी का, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई पर्सन भी इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसको कोई भी पर्सन इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई आरबीआई, कोई सेंट्रल बैंक इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसीलिए पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है, तो स्पेक्युलेटिव नेचर है, ठीक है। जैसे कि बात करें कि वैल्यू ऑफ बिटकॉइन की बात करें, तो 2017 में ये $20,000 इसकी वैल्यू चल रही थी, 2018 में ये लगभग $3,800 पे गिर गया,
ठीक है, तो समझ रहे हो इतना बड़ा गैप, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जल्दी से तेजी से उठता है, तेजी से गिरता है। और राइट, अब देखो यहाँ पे एक सिक्योरिटी का भी रिस्क है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट की अगर आपके पास है तो ही आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, गुम गई तो गए सारे पैसे, ठीक है। और मालवेयर के थ्रेट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे काफी ज्यादा अभी आपको पता है साइबर बुलिंग, साइबर थ्रेट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे मालवेयर थ्रेट्स भी आ सकते हैं इसके थ्रू। और मनी लॉन्ड्रिंग एक इशू है ही, क्या होता है ना, कई सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेरर को फंडिंग करते हैं थ्रू क्रिप्टो करेंसी। तो टेरर फंडिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की फंडिंग हो गया, ये सब कुछ आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होता है। तो इन सबको अगर हम बैन कर देते, क्रिप्टो करेंसी को हम अपने देश से बैन ही कर देंगे, तो ये सारी चीजों पर भी कुछ हद तक रोक लग जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है ये क्रिप्टो करेंसी। अब देखो इसमें क्या होता है, सपोज कि एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मुझे करना है, तो ये ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट होकर सभी के नेटवर्क्स के ऊपर गई, ठीक है, सभी के नेटवर्क्स के ऊपर गई, पीयर टू पीयर ऑल नेटवर्क्स के ऊपर गई। ये नेटवर्क ऑफ नोड्स जो है इसको एल्गोरिथम कहते हैं, और यहाँ पे ये वैलिडेट करता है कि ठीक है आप ट्रांजेक्शन कर लो। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई जिसमें क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व थी, ये ट्रांजेक्शन जो थी ये अलग अलग जो दूसरे ट्रांजेक्शन है उनके साथ कंबाइन होकर इसने अपनी एक ब्लॉक बनाया, डाटा का ब्लॉक बनाया, ठीक है, और लेजर में शामिल हो गई। लेजर मतलब कि जो बही खाता आप समझ लो, एक तरह से जो हिसाब किताब होता है, आप सपोज अपने लैपटॉप में कोई हिसाब किताब रख सकते हो उसको लेजर कह सकते हो, जो फिजिकली आप जो हिसाब किताब रखते हो किसी कॉपी में किसी बुक में वो आपका लेजर होता है। तो उस लेजर में जाके ये जो डाटा है जो यहाँ से ट्रांजेक्शन हुई उसका और जो बाकी ट्रांजेक्शन उस मोमेंट ऑफ टाइम हुई है, वो सारे डाटा जो है वो एक साथ एक ब्लॉक बन के इसमें शामिल हो गया, परमानेंट है और अनअल्टरेबल है, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन को आप इसमें से हटा नहीं सकते, ये जो ब्लॉक ऑफ डाटा है इसको आप यहाँ से हटा नहीं सकते, ये परमानेंट हो गया और इसको आप अल्टर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन फिनिश हुई है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पता नहीं चला कि किसने ट्रांजेक्शन इनिशिएट की, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंबाइन करके एक ब्लॉक बना है और बहुत ही इनक्रिप्टेड तरीके से हुआ है, और ये सभी को दिखेगा, एक साथ सभी को दिखेगा, ये परमानेंट है, अल्टरेबल नहीं है, और इसीलिए इसको इनक्रिप्टेड मेथड भी कहते हैं, इनक्रिप्शन मेथड भी कहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड मेथड कहते हैं, समझ गए। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, भारत गौरव स्कीम आइज रेलवे टूरिज्म। तो रेलवे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लेकर आए हैं भारत गौरव स्कीम, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है, और यहाँ पे जो टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको कैटर करने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं भारत गौरव स्कीम। और जैसे कि रामायण एक्सप्रेस आपको पता होगा, रामायण एक्सप्रेस अभी बहुत न्यूज में थी, ये जैसे चली ना वैसे ही और भी एक्सप्रेस हम यहाँ पे बनाएंगे, और भी चीजें, और भी ट्रेन को लेकर आएंगे, तो यहाँ पे जो भी एक टाइम टेबल फिक्स किया जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी और भी एक्सप्रेसेस चलेंगी IRCTC के अकॉर्डिंग, ओके। और जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी थीम्स डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह के इनको थीम्स के बेसिस पे अपनी जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेसेस हैं उनको चलाना है, जैसे कि एक रामायण एक्सप्रेस हो गई, ठीक है, वैसे ही एक सिख कल्चर को प्रमोट करती हुई एक गुरु कृपा ट्रेन भी अभी चालू हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जो चालू कर रहे हैं रेलवे वाले, उसके लिए यहाँ पे ये भारत गौरव स्कीम लेकर आए हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज दिया जाएगा टूरिस्ट को, कि इसमें आप रेल ट्रेवल भी इंक्लूडेड है आपका, इसमें आपका अकोमोडेशन भी है, साइट सीइंग भी है, हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट्स पे आपको गाइड्स भी मिलेंगे, और यहाँ पे फुल फ्लेक्सिबिलिटी है पैकेज कॉस्ट को लेकर। तो भारत गौरव स्कीम क्या है, आपको ये याद रखना है कि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की स्कीम है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये टूरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए है। तीसरी चीज, इसमें कई सारी थीम्स के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेन को स्टार्ट किया जाएगा, एक्सप्रेस जो है जैसे रामायण एक्सप्रेस हो गई, गुरु कृपा एक्सप्रेस हो गई, इन सबको स्टार्ट किया जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे रामायण एक्सप्रेस की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो ये रामायण एक्सप्रेस क्या है, रामायण एक्सप्रेस अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक की एक ट्रेन है, ठीक है। इसके पैकेज में बहुत सारी डेस्टिनेशन इंक्लूडेड है, जैसे श्रीलंका के भी कुछ डेस्टिनेशन है। अब देखो ये रामायण सर्किट है एक तरह से, और ये रामायण सर्किट जो है ये स्वदेश दर्शन स्कीम में आता है। ये स्वदेश दर्शन की स्कीम क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। इसमें 15 डेस्टिनेशंस कवर होंगी, जैसे कि अयोध्या होगी, श्रृंगवेरपुरम होगी, चित्रकूट होगी, सीतामढ़ी, और ऐसे बहुत सारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ माना जाता है कि लॉर्ड राम कभी ना कभी इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है, इसीलिए 15 डेस्टिनेशन को यहाँ पे शामिल किया गया है। और अभी स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, देखो ये स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन दोनों की स्कीम है। इस स्कीम में क्या बोला गया कि यहाँ पे हम ऐसे सर्किट्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि रूरल सर्किट हो गया,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इको टूरिज्म वाला सर्किट हो गया, उसके बाद यहाँ पे रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, गांधी सर्किट हो गया। इस तरह के 13 थीम्स इन्होंने बताई कि हम यहाँ पे 13 थीम्स के ऊपर यहाँ पे सर्किट बनाएंगे और यहाँ पे ट्रेन्स को चलाएंगे और यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज हम देंगे इन सभी ट्रेन्स के अंतर्गत जो भी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम से ही एक तरह से इंस्पायर्ड है ये भारत गौरव स्कीम, ठीक है। ये लेकिन याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर की है, ये यह है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है, समझ गए। तो ये इस तरह से काम करेगी और ऐसे ही बहुत सारे थीम्स के ऊपर ये जो भारत गौरव स्कीम है ये इसके अंदर ट्रेन स्टार्ट की जा सकती है, अपनी थीम्स भी वे बना सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। ग्लेशियर चेंज द ट्रैक 20,000 ईयर्स अगो। तो ग्लेशियर ने अपना जो ट्रैक है वो 20,000 ईयर्स से बदल रहा है, ये जो ग्लेशियर है। तो बेसिकली यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ वाला जो ग्लेशियर है जो कि काफी बार यहाँ की फ्लडिंग, यहाँ की लैंडस्लाइड्स का कारण बनता है, वो इसके ऊपर एक स्टडी आई है कि यहाँ का जो ग्लेशियर है वो अब्रप्टली अपना जो कोर्स है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पे ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक तो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए और एक यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है ये स्टडी ये कहती है, ठीक है। अब ये रिमोट सेंसिंग के बेसिस पे ये पता चला है कि जो ग्लेशियर है इसमें एक एक्टिव, इसके पीछे एक एक्टिव फॉल्ट है, ठीक है, और ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है क्योंकि हिमालयन रीजन में है तो टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। अब देखो मैं इसका क्या मतलब है, इसका आसान भाषा में मतलब समझो, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं ज्योग्राफी क्या है। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, देखो ये हमारा अर्थ है और अर्थ की जो ऊपर वाली क्रस्ट है ये काफी सारे प्लेट्स में टूटी हुई है, ठीक है। कुछ है ओशनिक प्लेट, कुछ है कॉन्टिनेंटल प्लेट और इनके बीच में कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है जिसको हम टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। तो जो ये पिथौरागढ़ वाला जो ग्लेशियर है और जो मेजर ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे वो टेक्टोनिक काफी एक्टिव है, क्यों? क्योंकि हिमालयन रेंजेस जो है, देखो जो भी माउंटेन रेंजेस होती है ना उसके नीचे जो जनरली काफी सारे केसेस में, नॉट ऑल केसेस लेकिन काफी सारे केसेस में यहाँ पे टेक्टोनिकली ये एक्टिव होती है जो माउंटेन वाले रीजन होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज आती है तो इसके नीचे भी इसके टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसीलिए ये जो एक्टिव फॉल्ट है इसके कारण यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज होता है इसका कोर्स, और क्लाइमेट चेंज भी एक इशू है ही, ठीक है। अब द ग्लेशियर विच डज नॉट हैव एनी नेम, ये पिथौरागढ़ के पास में पड़ता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं है। यहाँ पे ये पता चला है कि ये जो है एक्सट्रीमली इनएक्सेसिबल रीजन में है और दूसरी यहाँ पे एक वैली बनाता है ये जहाँ पे सारे डेब्रिस कलेक्ट होती है, ठीक है, और जैसे जैसे ये अपना कोर्स चेंज कर रहा है वैसे वैसे जो डेब्रिस आके गिर रही है वो इस वैली में जमा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है हिमालयन रीजन में एंड हिमालयाज इज वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज है मतलब कि अभी अभी नया नया बना है, इसीलिए सोचो कितनी एक्टिव होगी इसके नीचे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है वो कितनी ज्यादा प्रेवलेंट होगी हिमालयाज के नीचे। ओके, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अभी जो फरवरी में एक डिजास्टर आया था ऋषिगंगा अलकनंदा रिवर्स के आसपास उत्तराखंड में, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि यहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत अब्रप्टली अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एक्टिव फॉल्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, और यहाँ पे एक चीज ये भी बताई गई है कि इसके कारण क्या होता है, मास वेस्टिंग होती है। ओके, मास वेस्टिंग होती है और एक तो इरोजन बहुत होता है, ठीक है, लैंडस्लाइड इरोजन ये बहुत होता है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, आज का क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे डिफरेंस बताओगी, ये मास वेस्टिंग क्या है, इरोजन क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आप मुझे बताओगे, कौन सी फोर्सेस इनके पीछे काम करती हैं ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ज्योग्राफी का एक बेसिक कंसेप्ट है, बाकी इसका आंसर मैं आपको कल दूंगी। अच्छा, काफी सारे कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ट्यूनिशिया से रिलेटेड, काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसका सही जवाब दिया, ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया, उसका आंसर था अल्जीरिया एंड लीबिया, ठीक है, बाकी मेडिटेरियन सी से ऊपर यहाँ पे ये बॉर्डर कवर करती है। मैं मैप नहीं दिखाऊंगी, अगर नहीं देखा है तो एटलस में जाके देखो ट्यूनिशिया कहाँ पे है। दूसरी चीज ये कि कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए थे, शायद अब्दुल का कमेंट था और मुझे मेल भी मिला कि एक उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ पे सूडान और ईरान के, ईरान इराक वाला जो हिस्ट्री है इनकी, सद्दाम हुसैन वगैरह की एक हिस्ट्री है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो देखो अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट इशू चल नहीं रहा है, इसीलिए मैं अभी आपका इसको जवाब नहीं दे रही थी, जैसे ही इसका कोई इशू आता है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। बाकी अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो फिर जल्दी लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको भी इस इशू के ऊपर, जो सूडान ईरान इराक की क्या हिस्ट्री है, सद्दाम हुसैन की क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह से यहाँ पे अपराइजिंग्स शुरू हुई हैं, अरब स्प्रिंग क्या था, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, हम उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो
यहाँ पे हमने ये बात कर ली, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। तो देखो नेक्स्ट हमारा एक एडिटोरियल है रिगार्डिंग हिमालयन ब्लंडर। तो देखो मैं बोल रही थी ना कि बहुत सारे आर्टिकल्स लिंक्ड है, तो ये एक हिमालयन ब्लंडर वाला भी एक इशू है। अभी हमने हिमालयस पे जो ग्लेशियर्स की एक्टिवनेस है वो हमने देखी, कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से बदल रहे हैं, कोर्स ऑफ मूवमेंट किस तरह से बदल रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हिमालयन ब्लंडर के बारे में, ये एक एडिटोरियल है। देखो आसान भाषा में समझो इसमें बेसिक पॉइंट क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे चारधाम प्रोजेक्ट जो है, चारधाम एक यहाँ पे हाईवे प्रपोज्ड है, ठीक है। चारधाम प्रोजेक्ट, चारधाम रोड प्रोजेक्ट या हाईवे यहाँ पे एक प्रपोज्ड है, जो कि चार धाम जो है हमारे यहाँ पे, कौन कौन से चार धाम है, कौन कौन से है? देखो एक है केदारनाथ, एक है गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। ये चार धाम जो है हमारे यहाँ के, उनको कनेक्ट करेगा ये चारधाम प्रोजेक्ट। अभी जो प्रोजेक्ट है ये बनना है कहाँ पे? उत्तराखंड में। अभी हमने देखा उत्तराखंड कितना ज्यादा एक्टिव है, कितना ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है और कितना वल्नरेबल है टू लैंडस्लाइड्स, टू मास वेस्टिंग, टू इरोजन, ठीक है, टू फ्लड्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये चारधाम प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए और इसका इतना ज्यादा एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जब ये चारधाम प्रोजेक्ट आया, लॉन्च हुआ, ठीक है, उसके बाद ये एक पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे आता है तो काफी ज्यादा कंजेशन होगा, काफी ज्यादा यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा नेचर को लेकर, और उत्तराखंड काफी ज्यादा वल्नरेबल है ऑलरेडी ये ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन से, जिसके कारण नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि आपको अगर रोड बनाना है तो आप बनाइए, लेकिन आप इसको सिर्फ 5.5 मीटर चौड़ा रख सकते हैं, इससे ज्यादा चौड़ा आप इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, हाईवेज वाली जो मिनिस्ट्री है, उसके पास ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है और ये बोलते हैं कि आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे थे सिर्फ टूरिज्म के प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से आप जो बना रहे थे पहले, अब आप ये समझे कि ये एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनने वाला है। क्यों स्ट्रेटेजिक हाईवे होने वाला है? क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये हमको लद्दाख से जोड़ेगा और लद्दाख में हमको चाइना को, जो चाइना अगर बार बार स्टैंड ऑफ जो करता है उसको काउंटर करने में हमको ये काम आएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा और चौड़ा करो और लगभग इसको 7 मीटर, 7.57 मीटर्स तक इसको चौड़ा करो, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये कहती है कि देखो भाई पहले तो हम टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ही चारधाम प्रोजेक्ट को बना रहे थे, अब तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसमें शामिल हो गए हैं, तो इसीलिए अब हमको इसको चौड़ा करना ही पड़ेगा, और इसको इन्होंने 10 मीटर का कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछते हैं ऑथर कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो तुमको 7.5 मीटर्स का कहा था, एक बार मान भी लो कि यहाँ पे लद्दाख को यहाँ पे कनेक्ट करता है ये रोड, इसीलिए 7.5 मीटर्स का करना चाहिए, ये मान भी लें, तो आपने 10 मीटर का क्यों करा? 10 मीटर का तो आपको किसी ने कहा ही नहीं, आपने इसको क्यों इतना चौड़ा किया, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे ऑथर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक चीज ये समझाई गई है कि लद्दाख में जो आप ये रोड चौड़े करते हो, रोड बड़े करते हो, और जो उत्तराखंड है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उत्तराखंड एक तो बहुत ज्यादा एक्टिव है टेक्टोनिकली, लद्दाख उतना टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे स्टीप स्लोप्स मिलते हैं, स्टीप स्लोप यानी कि खड़ी चढ़ाई मिलती है इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे काटोगे ना तो ये पूरा का पूरा जो है ना कुछ समय में नीचे आ जाएगा ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पे लद्दाख में उतने स्टीप स्लोप्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे जेंटल स्लोप्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप रोड्स को काट सकते हो, उत्तराखंड में नहीं काट सकते। जैसे कि मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल बताऊँ, अभी इसी साल में मैं उत्तराखंड मैंने विजिट किया और वहां पे मैंने देखा, जैसे हम लोगों को एक वैली ऑफ फ्लावर्स विजिट करना था, ठीक है, जोशीमठ रीजन के आसपास हमको विजिट करना था, तो हम यहाँ से चले और हमारा सिर्फ 25 किलोमीटर्स का एरिया जो था हमको कवर करना था, लेकिन उस 25 किलोमीटर्स के एरिया को कवर करने में हमें लगभग 12 आवर्स लग गए। क्यों? क्योंकि जहां जाते थे वहां लैंडस्लाइड हो जाता था, और लैंडस्लाइड का जो सबसे मेजर रीजन वहां के लोकलाइट्स ने बताया वो ये था कि वहां पे इतने चौड़े रोड डेवलप किए गए हैं कि वहां पे देखो क्या होता है ना कि ये सपोज करो कि ये एक हिल है, ठीक है, ये हिल को आप काटोगे तो यहाँ पे ये काट रहे हो तो यहाँ का जो मटेरियल है वो लूज हो गया और इसके कारण बार बार लैंडस्लाइड होती है वहां पे। जब भी आप देखोगे ना किसी रोड पे आपको लैंडस्लाइड्स मिलेंगी ही मिलेंगी, तो इस तरह की लैंडस्लाइड वहां पे हो रही थी और इसका मेजर रीजन था ये रोड, जो चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं वहां पे वो, ठीक है। तो ये एक चीज समझाई गई है कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। और अभी अभी हमने देखा है कि जो अभी फरवरी में ही इस साल हुआ था डौलीगंगा, अलकनंदा में एक फ्लड आई, लैंडस्लाइड्स हुई, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली देखा था मॉनसून के टाइम पे कितनी ज्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही थी, ठीक है। तो इसको देखते हुए भी अगर हम नहीं समझ रहे तो अब हम कब समझेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं
इसमें ये भी कहा गया, बाद में ये भी समझ में आया, जैसे ऑथर जो है वो ये कहते हैं, डायरेक्टली तो निशाना नहीं लगा रहे लेकिन एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि जो चारधाम प्रोजेक्ट है इसके ऊपर टोल कलेक्शन के सेंटर्स भी बनाए गए हैं, टोल स्टेशन भी बना रहे हैं, तो क्या इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाना चाह रही है, गवर्नमेंट इससे टैक्स कमा के यहाँ पे इसको भले उत्तराखंड की जो नेचुरल इकोनॉमी है या नेचुरल वहां का जो लैंड है टेरेन है उसको भले ही डिस्ट्रॉय होने देगी लेकिन यहाँ पे उनको टैक्स कमाना ज्यादा जरूरी है, या ये क्या इश्यूज है जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर अभी भी रोक नहीं लगा रही, तो ये सारी चीजें पूछी गई है। अब हमको जरूरत है हिमालयस को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, इसमें हम जितना हो सके सेफ स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और कोशिश करें कि जितनी कम ह्यूमन इंड्यूस चेंज हो उतने कम हो, ठीक है, मतलब ह्यूमन के कारण इंड्यूस चेंजेस जो है जितने कम हो सके उतने कम हो। इसके कारण इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज कही गई है कि देखो उत्तराखंड को अडॉब सॉरी अबॉट ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि देवभूमि कहा जाता है, अबॉट ऑफ गॉड, तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं जैसा ये है, इसको चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है गॉड भी हमसे नाराज हो जाए, एक तरह से ये एक माइथोलॉजिकल वे में ले गए हैं कि गॉड भी हमसे नाराज हो जाए और नेचुरल जो यहाँ का एनवायरमेंट है अगर हमने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़े, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, छोटा सा इशू था, मेजर इशू क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, यूएस वॉरशिप ट्रांजिट्स ताइवान स्टेट आफ्टर बाइडेन जी समिट। तो देखो अभी अभी रिसेंटली बाइडेन और शी जिनपिंग की समिट हुई, वर्चुअल समिट हुई थी, आपको सभी को पता है, हम कंटिन्यूअसली इसको फॉलो कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि यूएस और चाइना ने अपने बीच में जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की बात की और ये कहा कि हम इनके ऊपर एड्रेस करके हम थोड़ा सा अपने बीच में रिलेशनशिप्स जो है उसको सही करेंगे, लेकिन यूएस ने ये कहा था कि ताइवान के ऊपर हम यहाँ पे अपना स्टैंड पीछे नहीं लेंगे, चाइना ने भी बोला हम भी पीछे नहीं लेंगे। तो अब फिर से देखो यहाँ पे एक चीज देखने को मिले कि ताइवान स्ट्रेट जो कि चाइना और ताइवान के बीच में है, यहाँ से यूएस ने अपनी एक वॉरशिप निकाल दी, ठीक है, जिसका नाम है यूएस मिलियस, ये वॉरशिप निकाल दी, ठीक है, ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इस वॉरशिप के ऊपर था, ठीक है, और इसको जैसे ही निकाला इन्होंने तो चाइना एकदम भड़का भड़क गया, ठीक है, एकदम बावरा होते फिर रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई आपने कैसे यहाँ से निकाल दिया अपनी जो वॉरशिप है उसको, ठीक है, तो यूएस बोलता कि हाँ ये तो इंटरनेशनल और वाटर्स हैं हम क्यों नहीं निकाल सकते इसमें से, तो यूएस चाइना ने बोला कि नहीं ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये हमारे वाटर्स हैं, हमारा एरिया है ये, ठीक है, तो ये बेसिकली ये पूरा इशू है। तो यहाँ पे यूएस वॉरशिप जो है वो हर बार कहीं ना कहीं यहाँ पे नेविगेशन निकालता रहता है जो भी इंटरनेशनल वाटर्स है उसमें, लेकिन अभी जो निकाला है उस पर चाइना को दिक्कत हो गई है, चाइना ये कह रहा है कि आप ये डिलिबरेटली अटेम्प्ट कर रहे हो कि यहाँ पे डिसरप्शन हो सके, आप हमारी जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे रीजन की पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो और फालतू में आप ताइवान को उकसा रहे हो, तो ये चीज यहाँ पे कही है। दूसरी चीज, ये तो एक छोटा सा इशू हो गया, इसके साथ यहाँ पे भी ये देखो ये दूसरा इशू इसके साथ लिंक्ड है, मनीला एक्यूजेस बीजिंग ऑफ हरासमेंट। तो मनीला फिलीपींस का राजधानी है, ठीक है, फिलीपींस ने ये बोला है कि चाइना उनको काफी ज्यादा हरास कर रहा है, साउथ चाइना सी में चाइना ने काफी ज्यादा अपना डेरा जमाया हुआ है और साउथ चाइना सी में यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो एक कोस्ट गार्ड जो है चाइनीज को, आई विल लाइव अगेन, यार यही इशू है ना यहाँ पे, साउथ चाइना सी में थोड़ा सा बताओ गाइस कि आर वी लाइव अगेन, ओके चलो ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मनीला ने ये कहा है कि यहाँ पे चाइना क्या कोशिश कर रहा है, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पे जितना हो सके अपने आप को एक्सपांड करें, और दूसरी चीज ये कि यहाँ के जो जो भी नेवी पर्सनल्स थे उनको फोटोग्राफ कर रहा है यहाँ पे, इनको गुड्स नहीं उठा उतारने दे रहा है, ये सारे इश्यूज यहाँ पे कर रहा है, तो एक तरह से हरास कर रहा है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे कही गई है। ओके आगे बात करते हैं हम, तो देखो ये है हमारा मैप और यहाँ पे ये देखो साउथ चाइना सी कहाँ पे है, ये लोकेशन देख लो, तो यहाँ पे है ये हमारा वियतनाम, इसके अलावा ऊपर ये है चाइना, चाइना के पास में ये ताइवान आपको दिख रहा है, ताइवान और इसके बीच में ये है ताइवान स्टेट, यहीं पे यूएस ने अपनी वॉरशिप लैंड कर दी, ठीक है, और ये साउथ चाइना सी की लोकेशन आप जरा मैप में देखना आज, और ये देखना कि कितनी कंट्रीज इसको क्लेम कर रही हैं और कितनी कंट्रीज इसको सराउंड भी कर रही हैं, तो ये चीज आप देख के आना मैप में।
राइट इसके अलावा देखो इंडिया ने ये कहा है, नेक्स्ट इशू हमारा ये है, इंडिया ने ये कहा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो बाकी कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया ने भी एक स्टेप उठाया है। ये स्टेप क्या उठाया है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, इसमें से हम यहाँ पे 5 मिलियन बैरल्स जो है इसको रिलीज करेंगे। ये चीज यहाँ पे इन्होंने कही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये 5 मिलियन बैरल्स को अगर ये रिलीज करते हैं तो उससे ये जो ऑयल है के कारण यहाँ पे पेट्रोल के दाम भी कम होंगे और सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ओके आगे बात करते हैं। देखो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या है, तो ये बेसिकली क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल के स्टॉक में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज हमको अच्छी लगती है तो हम उसको थोड़ा सा संभाल के रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको सैलरी भी मिलती होगी तो आप थोड़े से पैसे अपने सेविंग्स में डालते होगे, तो वैसा ही यहाँ पे क्रूड ऑयल की एक सेविंग अकाउंट के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हो कि थोड़ा सा क्रूड ऑयल हमने बचा के अपने रिजर्व में रखा हुआ है। और ये रिजर्व में इसलिए रखा हुआ है कि कभी भी ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आती है जहाँ क्रूड ऑयल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम इस सप्लाई को, जो डिस्रप्शन हो रहा है सप्लाई में, उसको कम कर सकें। और नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटीज होती हैं उस केस में हम यहाँ पे ऑयल का कंटिन्यूस सप्लाई हमको मिल सके, इसके लिए चीज चलाई गई है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो इसी के लिए लाए गए हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है, जिसमें एक ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पे इमरजेंसी ऑयल स्टॉक्स को हमको होल्ड करना है, उतने इमरजेंसी ऑयल स्टॉक को हमको होल्ड करना है जिसमें हमारा 90 डेज का काम चल जाए। मतलब मान लो कि 90 डेज तक हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑयल को, ठीक है, उतने में भी हमारा कोई डिस्ट्रप्शन ना हो और यहाँ पे हमारा काम चल जाए, बेसिकली 90 डेज तक हमारा काम चल जाए, इस ऑयल इम्पोर्ट्स को हमको ऑयल इम्पोर्ट ना करना पड़े, ये काम बोला है यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कि इतना हर किसी को स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना चाहिए। और जब आप इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखोगे तभी आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हो। अब इंडिया के पास इतना रिजर्व तो नहीं है, इसीलिए इंडिया अभी इसका एसोसिएट मेंबर ही है, ठीक है, इंडिया अभी इसका सिर्फ एसोसिएट मेंबर है, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। अब इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहाँ कहाँ पे, विशाखापट्टनम में है, बेंगलुरु में है, पदुर में है, इसके अलावा चंडीकोल और पदुर में इसका और भी नए जो फैसिलिटीज है उनको बनाने की बात चल रही है। 1973 में ये आइडिया आया था, ओपेक ये आइडिया लेके आया था, ठीक है। और ओपेक में जब ऑयल क्राइसिस हुआ, देखो ओपेक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे ऑयल क्राइसिस हुआ तो यूएस यहाँ पे रिजर्व वाला कंसेप्ट लेके आया कि अब आगे से हम रिजर्व रखेंगे सो दैट हमारी इकोनॉमी ना रुक जाए, ठीक है। और यहाँ पे मेजरली क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टोरेज किया जाता है। इस अंडरग्राउंड स्टोरेज में क्या होता है कि यहाँ पे अंदर जमीन के नीचे यहाँ पे स्टोर किया जाता है सो दैट लैंड ज्यादा ना लगे, इवेपोरेशन ना हो ज्यादा, और बिलो सी लेवल है तो डिस्चार्ज वगैरह भी नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज इंडिया में कौन मैनेज करता है, ये करता है इंडिया इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या है ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब सेम स्टेप यहाँ पे यूएस ने